सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक रंजन, आप देख रहे हैं बियॉन्ड इन्फिनिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू शिफ्ट गियर इन टू व्हीलर। यहाँ पे हम बताएंगे आपको रॉयल इनफील्ड बुलेट के सामने उसके हिसाब से, पहले भी मैंने कुछ और वीडियोस बना रखे हैं जो कि पल्सर से मैंने आपको समझाया है, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले ये होता है गियर लीवर। गियर ऑलवेज प्रेस फुल क्लच वाइल चेंजिंग गियर, पूरा क्लच दबाना है, हल्का अगर आप क्लच दबाते हैं तो गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। गाड़ी चलाते वक्त नॉर्मल आप हल्का सा क्लच दबाए रखते हैं तो उससे आपकी क्लच प्लेट खराब हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए क्लच के बारे में तो नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में, उसके बारे में ज़रूर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी बात करते हैं गियर के बारे में। यहाँ पर इस तरीके से गियर लीवर दे रखा है, कुछ बाइक्स में ये पीछे वाला नहीं आता है, सिर्फ आगे वाला आता है। तो सिंपल करना क्या होता है, उसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से गियर डलते हैं। इसमें पीछे का भी ऑप्शन दे रखा है, बात वही है, अगर आप लीवर जो मैकेनिज्म होता है उसको समझते हैं तो ये आपके लिए समझना बहुत ही ईजी रहेगा। मैं आपको कहूँगा आप एक बार दो तीन वीडियो और देख लीजिए जाके कि अंदर से ये कैसे काम कर सकता है, उसके बाद में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कन्फर्म हो जाएगा कि गियर डालना क्यों किस तरीके से ज़रूरी है और कैसे करके हम जो है सही स्पीड पर सही गियर डाल सकते हैं। एक और वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें मैंने बताया है किस स्पीड पर कौन सा गियर काम आता है, वो वीडियो भी आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहला गियर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम तरीके से समझा देता हूँ। पहला गियर सबसे आगे है, ठीक है, सबसे आगे मान लीजिए, उसके बाद आता है न्यूट्रल, उसके बाद आता है दूसरा, तीसरा, चौथा, अगर आपके में पांचवा गियर है तो पांचवा गियर उसके बाद आता है। हायाबुसा आप नहीं चला रहे हैं जिसमें छः सात गियर होंगे, अभी नॉर्मल गाड़ियों की बात करते हैं, चार गियर या पांच गियर होते हैं। तो पहला न्यूट्रल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। सबसे आगे अगर पहला गियर डालना है, गाड़ी चलाने से पहले पहला गियर डालते हैं, वो सब सबको नॉर्मल सी बात है, पता ही होगा। आगे आगे करते हैं करते हैं और गाड़ी ऑन करते हैं, क्लच दबा के आगे आगे करते आते हैं। और कभी कभार जो है ये फ्री है पर हो सकता है इसमें गियर डलाओ, पीछे वाला इसमें टायर मूव होना ज़रूरी होता है, पीछे वाला थोड़ा सा टायर मूव होगा गाड़ी इसीलिए आगे पीछे करते हैं, आपने देखा होगा, किसी को नोटिस कर दूँ, आगे पीछे किया, इसमें पहला गियर डल चुका है, यहाँ से मेरे को पता चल गया। इसको न्यूट्रल करना है तो हल्के से पीछे ऊपर की तरफ करना होगा, और अगर आप तेज से ऊपर करेंगे तो दूसरा गियर सीधे डल जाएगा, यानी पहले से सीधे दूसरा और उसके बीच में होता है न्यूट्रल, धीमे से करेंगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, नहीं तो दूसरा आ जाएगा सीधे। फिर पहला करने के लिए आगे आगे कर दिया, ये पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत ही इजी है। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स बताइए, और भी वीडियो मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगा डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर सिंगल क्लिक करना है, उसके बगल में आएगी छोटी सी बेल आइकन, उस पर क्लिक करके दबा दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।